तो सीन यह हो गया कि हमारी गाड़ी का जो है ब्रेक फेल हो गया। कहाँ कहाँ से निकल रहा है यार भाई? तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़े रहे। स्वागत है आपका मेरे और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चंदनगर गांव से। तो मेरा नाम है पी, आप देख रहे हैं बद्री विशाल ब्लॉग्स। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ 9 बजे से। तो अभी हमने खाना पीना खा के एकदम रेडी हो चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग, क्योंकि वहाँ आर्मी कैंटीन में भी कुछ काम है और रुद्रप्रयाग में एक नया पार्क बना है, वो देखने भी जा रहे हैं। तो देख, मैंने तो बस फोटोज़ और वीडियो में देखा है, तो अभी वहाँ जाके पता लगे कैसा है, जैसे फोटो और वीडियो में दिखता है वैसे ही बना है। क्या पता तब उस टाइम पे उसका काम चल रहा होगा तो उन्होंने बना दी होगी। तो अभी हम चलते हैं, खाना तो हमने खा लिया और सीधे आपको मिलते हैं किंजाणी में, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम है तो सीधे किंजाणी में मिलता है आपको। तो अभी हम किंजाणी गाँव में पहुँच चुके हैं, मतलब मोहन खान से थोड़ा सा नीचे। तो मामा जी और भाई चले गए बाइक लेने, क्योंकि दो बाइक एक में तेल नहीं था इसलिए हम उसको लाए नहीं थे। तो अभी मैं यहाँ, मेरे को यहाँ पर छोड़ दिया कि मतलब मेरी मामी जी का घर है इधर पे, तो मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है यार, और मैं उनके घर पे जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो चलिए, भाई वगैरह भी आ चुके हैं, तो अब हम चलते हैं रुद्रप्रयाग के लिए। और ये यहाँ पे हमारी बाइक, और भाई हेलमेट लगा रहे हैं। ये छोटे हो गया, स्मॉल साइज है। और अब मैं गूगल्स पहन रहा हूँ, बताना कैसे लग रहे हैं, चलते हैं। तो हम अभी रुके हैं सनबेंड पे, जो कि रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर आगे पोखरी वाली रोड पे है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ सीन हो गया। तो सीन यह हो गया कि हमारी गाड़ी का जो है ब्रेक फेल हो गया, जो नीचे का फुट ब्रेक होता है वो हमारा फेल हो गया और लग ही नहीं रहा है। भाई इसको ठीक कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रही। ये हमारा फेल हो गया था, ढीला पड़ गया था एकदम, लग भी नहीं रहा था। तो हम चोपता से नीचे आ रहे थे, वहाँ पे एक रोड थी सीधी सी थी, तो उस पर हमने ब्रेक मारा तो नहीं लगा। और वही तो इमरजेंसी में हमने डिस मार दिया, तो फिर हम बच गए। जैसी रोड सारी रुद्रप्रयाग और पोखरी से जैसी रोड है, अगर वैसी रोड होती तो हम तो गए थे भाई, इतनी बेकार रोड है। वहाँ पर थोड़ी सही थी इसलिए बच गए हम भाई साहब। तो चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत टाइट हो गया, प्रेशर दे दिया भाई पे, तो चलिए चलते हैं हम भी। जूसेस में जूस तो हमारा आ गया, भाई का नहीं आया अभी। भाई जूस नहीं आया आपका? मेरा तो आ गया। चलो इसको फिनिश करते हैं पहले। तो जूस पीने के बाद हम जा रहे हैं, क्योंकि ना रुद्रप्रयाग में भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। हमें पता चला कि ऊपर एक स्विमिंग पूल है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो चलिए भाई साहब, हम स्विमिंग पूल में आ चुके हैं लेकिन यहाँ आके पता चला कि पूल पे पानी ही नहीं है। और भाई मेरा मजाक बना रहे हैं, इसमें पानी ही नहीं है, क्या करें ऐसे स्विमिंग पूल का जिसमें पानी ना हो। तो हम रुद्रप्रयाग से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और जहाँ पे है आर्मी कैंटीन, तो अभी हम जाएंगे आर्मी कैंटीन में। चलो ये यहाँ से गेट है, मैं अभी पिछली बार आया था तो यहीं से गया था। तो अभी हमने कैंटीन से सामान ले लिया, अभी हम आए कहाँ पे, रुद्रप्रयाग से ठीक आगे पे एक पार्क बनाया है जहाँ पे लिखा है आई लव रुद्रप्रयाग। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, चलो झूला खेलते हैं, यहाँ पे झूला है। और ये पहले इसको ट्राई करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया,
अगर यहाँ से गिर गए तो भाई आप खेलोगे? नहीं यार बस आप खेलो। क्यों? मन नहीं है अभी। चलो हो गया बस चलते हैं यार लेट हो जाएगी फिर। यही तो है इसलिए झूला भाई। इसमें अजीब सी वाइब आ रही है। यहाँ से निकलो ना। कहाँ कहाँ से निकल रहा है यार भाई? अरे मैं पतला हूँ ना इसलिए निकल जाता हूँ फिर। लुम्बा क्या कर रहा है यार यहाँ? यो चल दानी जी भाई इसमें चक्कर आ रहे। इधर भी है कुछ, इनको ट्राई करते हैं। मार्क्सम किले भाई करंट आ रहे हैं। मार्क्सम अच्छा नीचे मशीन चल रही है ना इसलिए करंट आ रहे हैं इन पे। अब क्या करें? चलो फिर चलते हैं। अब आप इस पॉइंट को ड्रोन शॉट से एंजॉय करो। तो चलिए हमने थोड़े बहुत मजे भी यहाँ पे कर लिए और अभी हम चलते घर क्योंकि बारिश का मौसम हो गया पूरा। और पार्क आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, हमने भी मजे ले लिए, आपने भी मजे ले लिए। भाई को अच्छा नहीं लगा बल? ऐसा क्यों? भाई की अब एज होगी ना तब, और मेरी तो अभी मैं तो बच्चा ही हूँ तो मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं हम भी घर को। तो अभी हम खड़पत्तिया में रुके हैं और यहाँ से ले रहे हैं जूस। खड़पत्तिया में ना प्योर जूस मिलता है तो
इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। तो चलो जूस लेते हैं, फिर चलते हैं। बारिश में तो हम भीगे, बारिश लगी थी बहुत तेज वाली और अभी भी लगी रही है। तो चलिए अभी तो हम घर पे पहुंच चुके हैं और बारिश में काफ़ी ज़्यादा हम भीग गए थे, तो अभी थोड़े बहुत सूख गए हैं, अभी प्रॉपर बाल नहीं सूखे। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो एवरीवन, अभी हम यहाँ पे पूरी ड्रोन शॉट ले चुके हैं।